नमस्कार दोस्तों, अभी आए हुए हैं भाई राजस्थान के पुष्कर मेले में। और भाई ये अर्जन स्टड फार्म की भाई गाड़ी खड़ी हुई है, तो भाई जानकारी लेते हैं भाई कहाँ से हैं भाई और कब से ये हॉर्स फार्म कर रखा है, क्या इनका अनुभव, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। भाई अपना क्या नाम है? मेरा नाम भुट्टो खान है जी। और अपने स्टड फार्म का क्या नाम है? अपने स्टार्ट मेरे स्टार्ट फार्म का नाम तो बिरबल स्टार्ट फार्म है, पर ये मेरा दोस्त है। हाँ जी। इनकी बच्चियाँ हैं ये। अच्छा, अर्जुन स्टार्ट फार्म से है ये। कहाँ से हैं आप? मैं मुक्सर से हूँ। अच्छा। बच्चियाँ आई है जगराव से, लीला गांव से। अच्छा, जगराव में फार्म है इनका। हाँ, अर्जुन स्टार्ट फार्म। मेरा ज़्यादा हॉर्स डीलिंग का काम है, घोड़ों का। अच्छा, सेल परचेज का काम करते हैं? सेल परचेज का करवाता हूँ। अच्छा, तो कब से कर रहे हैं आप सेल परचेज का काम? हमारी तीसरी पीढ़ी है सर। मेरे दादा थे, मेरे फादर थे, मैं हूँ। मेरे को हो गए 32-35 साल हो गए। आपको? हाँ जी। हाँ जी। उम्र कितनी है आप? 74 का जन्म है मेरा। अच्छा, 74 का जन्म है। हाँ जी। और आप लगभग यही काम कर रहे हो? ब्रीडिंग पे काम नहीं किया? ब्रीडिंग पे करते हैं। हाँ, पंजाब में तो बहुत क्रेज है। हाँ, ब्रीडिंग का। ब्रीडिंग पे करते हैं, जो घोड़ियाँ ब्रीडिंग के लिए मतलब है, पर घर पे रखी हुई घोड़ियाँ है। हाँ, मज्जू की लाइन की बच्ची है। हाँ, बहुत सुंदर। जी जी। और ये आलमगीर की है। कौन सी? और ये वाली आलमगीर। हाँ, की है। आलमगीर की है। अच्छा। और वो कांटे की है। काला कांटे की है। अच्छा, घर पे कितने घोड़ा घोड़ियां हैं आपके पास में? घर पे है हमारे पास 6 घोड़ियां है। हाँ हाँ। और भाई साहब ये इनके पास 15 घोड़ियां हैं। इनका क्या नाम है? इनका हरमन भाई। अच्छा, ये हरमन भाई है। हाँ जी। अच्छा, नमस्कार जी। और अच्छा, तो आप मारवाड़ी पे ही काम करते हैं? मारवाड़ी पे काम करते हैं। नुकरे का कोई नहीं? नुकरे का पहले था क्रेज, नुकरे का। हाँ हाँ। अभी ज़्यादा मारवाड़ी है, क्योंकि मारवाड़ी अच्छे भाव में बिकता है। मेहनत भी आदमी की, जो मेहनत करता है उसका फल मिलता है उसको। जी। और जानवर भी अच्छे हैं। हाँ हाँ जी। तो लाइन वाली घोड़ियाँ हैं आपके? लाइन वाली है। लाइन वाली। अच्छा। हाँ, तो ये वाली घोड़ी बच्ची है? हाँ, बच्ची। कितनी एज की है ये? है अभी 9 महीने की। 9 महीने की है। कुछ नाम रख रखा है इसका? इसका नाम अभी रखा नहीं है, रखेंगे। अच्छा। हाँ। माँ किस लाइन से है, क्या नाम है माँ का? माँ इसकी रत्नाकर की है। अच्छा। हाँ जी। हाँ। और हाइट वगैरह में कितनी है माँ? कितनी हाइट है? हाइट तो हम घोड़े की हाइट बहुत कम मापते हैं। अच्छा। हाँ जी। हाँ, निगाह से काम चलता है। अभी होगी ये 57। ये इसकी माँ की हाइट पूछ रहा हूँ। इसकी माँ की हाइट होगी 62। 62 हाइट है। और वैसे मारवाड़ी में आपको बताऊँ, मैं मारवाड़ी में 62 हाइट की घोड़ी बहुत सही है, काफी अच्छी है। 64-65 वो तो बात ही है वैसे। हाँ। अच्छा, और किस लाइन से है ये? मज्जू की, सॉरी, आलीशान लाइन, कांटे की पोती है। काले कांटे की पोती। हाँ, आलमगीर की बच्ची। आलमगीर की बेटी है। हाँ, और काले कांटे की पोती है। अच्छा, ये काले कांटे की बच्ची है डायरेक्ट। अच्छा, पहले इसी की बात करते हैं। हाँ जी। सेल के लिए है? हाँ, सेल के लिए जी। अच्छा, तो कब आए मेले में? कल आए जी, रात को। कल आए हैं। और पहले भी कभी आए हैं मेले में? हर साल आते हैं। तो पंजाब में भी काफ़ी मेले वगैरह लगते होंगे? पंजाब में अभी क्या बताएं, पंजाब की बात तो मत ही करो। अच्छा, पहले सरकार थी अकाली दल की। हाँ हाँ। सुखबीर सिंह बादल को शौक था घोड़ों का। जी जी। उसने शो भी बहुत अच्छे लगाए हैं। जी जी। कंपटीशन अच्छा होता था घोड़ों का। और अभी मंडियाँ ही बंद होगी, शो तो कहाँ होंगे जी? हाँ, मंडियाँ बंद है, पंजाब की मंडियाँ बंद है, तो वहाँ पर इतना अच्छा नहीं लगा, इसलिए हमारे CM साहब को मतलब शौक नहीं है। जानवरों के साथ बहुत कम प्यार है उसको, घोड़ों का शौक नहीं है। अगर उनको घोड़ों का शौक लग जाए जी जी, तो फिर तो मंडियां बंद ही ना हो, कोई बीमारी भी नहीं है। और कहाँ कहाँ के मेले में जाते हैं आप? मैं बलोतरा जाता हूँ। हाँ, नगौर जाता हूँ। हाँ, सारनखेड़ा जाता हूँ जी। मतलब कोई मंडी छोड़ता नहीं हूँ जी जी। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, इस वाली बच्ची का कितनी एज है? ये है 13 महीने की, अभी हुई है, मतलब 2-4 दिन अभी रहते हैं इसके। 13 महीने। पंचकल्याण है? हाँ, पंचकल्याण है। इसके मदर फादर का क्या डिटेल है? इसका फादर है काला कांटा। हाँ हाँ। और मदर है इसकी हर्ष, हर्ष घोड़ा बालकनाथ वाला बाबा जी का। अच्छा। ये हाँ, इसकी माँ हर्ष की बच्ची है। तो मदर भी पंचकल्याण है या फिर? मदर 3 पैर वाइट, माथे पट्टा है। अच्छा। हाँ जी। हाइट वगैरह सही है इसकी ना? हाँ जी, सही है हाइट। और ना
अच्छा, दो ही जानवर लेके आए? हाँ, दो जानवर, ये रिंग में डालेंगे इसको। अच्छा, ज्यादा शौक है इस रिंग का है भाई साहब को। हाँ, तो जैसे कि क्या कुछ केयर करनी होती है सुबह से शाम तक, थोड़ा बताएंगे इनके बारे में, दिनचर्या के बारे में? दिनचर्या इसका बस खाने पीने का ध्यान रखना, पानी का ध्यान रखना। ये ज्यादा से मौसम चेंज की वजह से ना घोड़ों को पानी की प्रॉब्लम आती है, उसमें पानी कम पीते हैं जब मौसम चेंज होता है तो पानी की समस्या आती है, क्योंकि पानी की समस्या के साथ घोड़े को दर्द हो जाता है। फिर आदमी उस बात पे ध्यान नहीं देता कि घोड़े ने पानी नहीं लिया, इंजेक्शन पे ध्यान देता है, इसको दर्द हो गया इंजेक्शन दे दो जल्दी जल्दी, तो फिर दर्द रुक जाता है। जो अंदर की कमी होती है पानी की, उसमें घोड़े को प्रॉब्लम आती है। फिर जैसे कि घोड़े में पानी की कमी आए ही ना, तो उसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं? उसके लिए पानी वगैरह, पानी का बाकी उसमें कोई प्रोडक्ट है जो इसको पानी पूरा कर सके? रास्ते में घोड़ा स्टेबल कर रहा है, उसमें वो उसको देना चाहिए, मतलब पानी की कमी ना आए पानी की। अच्छा, जो फीड में देते हैं, जैसे कि कोई कंपनी का फीड देते हैं या फिर अपना? नहीं, वही कंपनी का कोई फीड नहीं है, वही घर का बना हुआ जमीन चोकर वही देते हैं, कंपनी का कोई फीड नहीं देते। तो जैसे कि रिंग में लगाते हैं, उसका तो कुछ विशेष ध्यान रखना होता होगा? बस सफाई है घोड़े की, बाकी सुंदरता है। रिंग में तो जज ने देखना है, जो जज करता है उसको, वो किस नजरिए से देखता है इसको। अच्छा, वो अगर कोई लेना चाहे तो ये सेल भी कर देंगे? हाँ, लेना चाहे तो कोई अच्छे पैसों में अगर कोई मतलब मिले या बात करे तो हम दे देंगे। हमारा नंबर है, आपको कांटेक्ट नंबर देंगे। हमारा डीलिंग का काम ही है घोड़ों का ज्यादा। हाँ जी, हाँ, तो अपने कांटेक्ट नंबर बता दो एक बार, फिर भाई से भी बात करते हैं। 84270 हाँ जी 12811। इस नंबर पे कौन मिलेंगे? हम मिलेंगे। अच्छा, हम मिलेंगे, भाई साहब का भी हमारे सेम ही है। जी जी, हाँ जी, ठीक है, एक बार भाई साहब से बात करो। भाई साहब आओ, जरा एक बार इधर आओ। भाई आप घोड़ा लाइन में कब से हैं? हम 5 साल से। कैसे आना हुआ? मुझे शौक था बचपन से, मेरे नानके रखते थे। आपके नाना जी रखते थे? नाना जी के पिताजी रखते थे। अच्छा, तो मजा आ रहा है पूरा? बढ़िया। तो जो नया शौक लगाना चाह रहे हैं, जैसे कि युवा हैं, उनको क्या कहना चाहोगे शौक के बारे में? ये शौक बढ़िया है, मेहनत करनी पड़ती है। खाली फोटो वीडियो में हमने घोड़े रख लिए, फिर घोड़ा नहीं पलता। मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज्यादा। तो एक्सरसाइज वगैरह भी देनी होती है सुबह? डेली की एक्सरसाइज भी देते हैं और संभाल भी करते हैं, मसाज भी करते हैं, भी करते हैं, और खुद काम करना पड़ता है, लेबर पे नहीं छोड़ सकते। आप जैसे कि फार्म और अपना घर पास में ही है या फिर? साथ में है। लेबर वगैरह एक आदमी है मेरे पास। एक आदमी है, 16-17 जानवर है, एक आदमी है। सारे मारवाड़ी। अच्छा, ठीक है। कमाई के हिसाब से देखा जाए तो ये कुछ है इसमें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों से सुनते हैं कि भाई शौक है, ये शौक के रूप में करो, कमाई के हिसाब से नहीं करना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे? शौक भी तब बढ़ता है जब कमाई होती है, जब कमाई नहीं तो अकेला शौक भी क्या करेगा। जी, कमाई भी होनी चाहिए और शौक भी होना चाहिए। कमाई भी तब होगी जब शौक होगा।